है चौधरी, दे नहीं रहे शिक्षकों को नौकरी, झूठ बोलते हैं ये सदन में, ग्लानि नहीं होती है मन में, शिक्षा मंत्री हैं कहलाते शिक्षक, पर इन्हें नजर न आते, बस केवल बहकावा देंगे या मंत्री जी इस्तीफा देंगे। जी हाँ, यही सवाल पूछ रहे हैं बिहार के युवा और यही सलाह भी दे रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। क्यों दे रहे हैं ये सलाह वो समझिए। 94,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि 5 अप्रैल को ब्लाइंड केसेस की सुनवाई हो जाएगी और इस सुनवाई के बाद हरा सिग्नल मिल जाएगा शिक्षकों की भर्ती। उनके इस बयान के बाद जो युवा अभ्यर्थी थे उन्होंने चेक किया कि केस लिस्ट भी किया गया है या नहीं। आया गया कि केस तब तक लिस्ट नहीं किया गया था। अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर यह बात उठाई तो संजय कुमार, जो कि मुख्य सचिव हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक इसे चेक करेंगे। 31 मार्च भी बीत गया। 2 अप्रैल को अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से लिखा कि भाई ये जो मामला है ब्लाइंड केस वाला, ये तो लिस्ट ही नहीं हुआ है अदालत में। संजय कुमार जी ने उस ट्वीट का रिप्लाई किया। रिप्लाई करते हुए उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में ये केस लिस्टेड है 195वें नंबर पर। उनका इतना लिखना था कि युवा हल्ला बोल के संयोजक अनुपम ने इस ट्वीट को कोट किया। ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि 195वें नंबर पर इस कोर्ट के लिस्ट होने से फायदा क्या है, संभवतः है यह केस सुना भी नहीं जाएगा। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि बिहार की सरकार शिक्षकों की भर्ती को लेकर गंभीर नहीं है? और आज अनुपम का जो ये आरोप था, जो उन्होंने ट्विटर पर लगाया था, वो सही साबित होता दिखता है। 5 अप्रैल बीत गया है, ब्लाइंड केसेस की सुनवाई नहीं हुई है और हरा सिग्नल जो शिक्षकों की भर्ती को मिलना था वो नहीं मिला। पूरी कहानी समझिए, 2015 के बाद से बिहार में शिक्षकों की कोई भर्ती हुई नहीं। 2017 में जिन शिक्षकों ने बीटेट या सीटेट उत्तीर्ण किया था, 2019 में उन्हें मौका मिला नौकरी पाने का। एक नोटिफिकेशन निकाली गई, अधिसूचना जारी हुई, 94,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी और जो शेड्यूल जारी किया गया उसके अनुसार नवंबर 2019 तक जो टीचर्स हैं, जो अभ्यर्थी थे, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाना था। लेकिन कोर्ट में केसेस हुए, मामला लटका और रीशेड्यूलिंग हुई। रीशेड्यूलिंग में भी ये तय किया गया कि नवंबर 2020 तक जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल पोर्टल। इसके बाद फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने एक जनहित याचिका दायर कर दी। इस जनहित याचिका का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 5 अप्रैल को सुनवाई होनी है, सुनवाई हो जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा, हरा सिग्नल मिल जाएगा शिक्षकों की भर्ती का। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती का हरा सिग्नल है वो फ्यूज हो गया है, जल ही नहीं रहा है। इस हरे सिग्नल के इंतजार में शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जिंदगी स्याह होती जा रही है। हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो, परीक्षा कदाचार रहित हो और परीक्षा का मूल्यांकन फेयरनेस के साथ और एक्यूरेसी के साथ किया जाए। ये हम लोगों के लिए अत्यावश्यक है और ये सभी चीजों को हम लोग अनुपालित करने की कोशिश शिक्षा विभाग के तहत कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज जो विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर चुके थे, आज ही से हमारे विद्यालय खुलने वाले, पूरे समझिए कि हमारे विद्यालय लगातार पिछले 7 वर्ष से बंद चल रहे हैं, खास करके प्राथमिक मध्य या माध्यमिक विद्यालय जब बंद रहते हैं, हमारे बच्चे स्कूल बच्चों के उसके लिए भी उसकी क्षतिपूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी कैचअप कोर्स की व्यवस्था की गई थी, हमारे शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया था कि पीछे जो नुकसान हुआ है पढ़ाई में बच्चों का, उसको भरपाई हम कैसे करें, और उसमें हमारे सभी शिक्षकों का भी सहयोग मिला, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी काफी रुचि ली और वह एक सफल कार्यक्रम के रूप में उतरने ही वाला था। लेकिन ये हम सब का दुर्भाग्य है और हम सब के लिए ये बड़ा दुख और अफसोस की बात है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है,
हम लोगों को मजबूरी में फिर से शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े। हम जानते हैं और सरकार इस बात को मानती है, हमारे विद्यार्थी भी हमारे छात्र भी पढ़ाई के लिए परेशान है, वो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, और सरकार और शिक्षा विभाग भी हम लोग स्कूल खुले यही चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाई चले यही चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो अंत में स्वास्थ्य सुरक्षा होती है। अगर जिंदगी बचती है तभी पढ़ाई भी आगे बढ़ती है, तो ये एक ऐसा कोरोना का खतरा आ जाता है। और कोरोना के खतरा के बारे में अब किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, पूरी दुनिया आक्रांत है, बड़े बड़े देश परेशान है। उस हिसाब से भारत या हम लोगों के बिहार प्रदेश में सरकार के प्रयास से काफी कुछ मामले नियंत्रण में, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारा गांव देहात समाज सब सुरक्षित रहे, इसलिए मजबूरी में स्कूल बंद करना पड़ता है। कहीं कहीं देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए आज ही कहीं सुने कि कोचिंग संस्थान वाले लोग या कोचिंग संस्थान चले इसके लिए लोग कर रहे हैं, उनकी इच्छा सही हो सकती है, लेकिन अभी तो जिस ढंग का माहौल है, जिस ढंग से जीवन पर खतरे की बात है, तो सब लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग भी अपने शिक्षण संस्थानों को खोल के शिक्षा की निरंतरता या शिक्षण कार्य लगातार चलाना चाहती है, लेकिन जिंदगी का खतरा उठाने की बात है, जिंदगी पर जो खतरा है उसके परिप्रेक्ष्य में ही हमें शिक्षण संस्थान बंद करना पड़ता है। हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश के नागरिक सभी अभिभावक इतने जागरूक जरूर हैं जो इस खतरे को समझेंगे, और हम लोगों के साथ जो मजबूरी में लिया गया कदम है उसमें सहयोग देके जैसे ही स्थिति सामान्य होती है हम लोग खुद तत्पर है कि शिक्षण संस्थान खुले और हमारे बच्चे शिक्षा के मंदिर में फिर से एक बार पहुंचकर शिक्षा ग्रहण शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इनके अध्यक्ष इनके अधिकारी इनके कर्मीगण को बधाई और धन्यवाद देते हैं। कोरोना फिर किस किस्म से अपना सर उठा रहा है, हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर चुके थे, आज ही से हमारे विद्यालय खुलने वाले, पूरे समझिए कि हमारे विद्यालय लगातार पिछले साल भर से बंद चल रहे हैं, खास करके प्राथमिक मध्य या माध्यमिक विद्यालय जब बंद रहते हैं हमारे बच्चे स्कूल बच्चों के उसके लिए भी उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी कैचअप कोर्स की